24 घंटे में देश में डायरेक्ट हिंदू मुसलमान और हिंदुस्तान की खुल्लम खुल्ला बात हुई है। इन सब का मंच एक ही बना है, वो है AIMIM चीफ असदुद्दीन ओवैसी। अब तक तो ओवैसी ब्रदर्स ही भड़काऊ भाईजान के तौर पर जाने जाते थे, लेकिन अब उनकी पार्टी के नेता भी जहर की खेती करने लगे हैं। ओवैसी के मंच पर जो भी आ रहा है वो देश विरोधी बात कर रहा है। ऐसे में बीजेपी कह रही है ओवैसी हाथ में संविधान पकड़ते हैं और दिल में वारिस पठान रखते हैं। ओवैसी जी के मंच पर पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगते हैं। मंच के पीछे ये सिखाया जाता है तो कभी कभी मंच के आगे हकीकत निकल जाती है। 15 करोड़ है मगर 100 के ऊपर भारी है, याद रख लेना ये बात। ओवैसी जी भी मौजूद थे, वारिस पठान से एक क्षण के लिए भी माइक नहीं छीना। दिल में ईमान और जुबान में हमारा कलमा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह लेकर आगे बढ़ते हैं। पहले ओवैसी के वारिस ने जहरीली भाषा बोली, खुल्लम खुल्ला हिंदू मुसलमान किया। अभी तो सिर्फ शेरनियां बाहर निकली है और तुम्हारे पसीने छूट गए। 15 करोड़ है मगर 100 के ऊपर भारी है, याद रख लेना ये बात। ईंट का जवाब पत्थर से देना सीख लिया है अब हमने, मगर इकट्ठा होकर चलना पड़ेगा। जो चीज मांगने से नहीं मिलती उसको छीन के लेना पड़ेगा, ये भी याद। फिर ओवैसी के मंच से देश विरोधी नारे लगे, पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद। शहर अलग था, मंच अलग था, लेकिन पार्टी एक ही थी, झंडा बैनर एक ही था, भाषा और भाषण में जहर की मात्रा एक समान थी। ओवैसी की सभा से 527 किलोमीटर दूर कर्नाटक के गुलबर्गा में वारिस पठान की धमनियों में खून कुछ ज्यादा उबाल मारने लगा था और ओवैसी की सभा में देश विरोधी नारे लिखकर लाने वाली लड़की को मंच का मुख्य स्पीकर बनाया गया था। देश विरोधी नारे लगाने वाली लड़की ओवैसी के मंच पर खास मेहमान थी। ओवैसी मंच से भाषण खत्म करके जा रहे थे तभी उनके कानों पर देश विरोधी नारे पहुंचे। अमूल्या लियोना नाम की लड़की देश विरोधी नारे को बार बार दोहरा रही थी, फौरन ओवैसी मुड़े। इसी बीच मंच पर मौजूद अमूल्या के हाथों से माइक छीनने लगे, पुलिस पहुंची और अमूल्या को हिरासत में ले लिया गया। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद। सभा में मौजूद लोगों को भी कुछ समझ में नहीं आया कि ये क्या हो गया। मंच पर खूब ड्रामा हुआ, कोई कीचड़ उछले उससे पहले ही ओवैसी को सफाई देनी पड़ी। कोई ताल्लुक नहीं है, ना मेरी पार्टी का उससे कोई ताल्लुक नहीं है। हम जब तक जिंदा रहेंगे इंशाल्लाह भारत जिंदाबाद के नारे मारते रहेंगे। पूरी लड़ाई भारत को बचाने के लिए, और कोई आकर यहाँ पर हमारे दुश्मन मुल्क के बारे में नारे लगाएगा हम उसको कंडेम करते हैं और मुर्दाबाद के नारे मराएंगे। हमारे लिए भारत जिंदाबाद है, भारत जिंदाबाद रहेगा। हमारा कोई मतलब ही नहीं है पाकिस्तान से हमको, और जो पाकिस्तान के नारे लगा रहे हमारा उनसे कोई ताल्लुक नहीं, हम कंडेम करते हैं उसको। मैं ये बात क्लैरिफाई करना चाह रहा हूं, मुझे अफसोस है कि यहां के ऑर्गेनाइजर्स इस तरह के लोगों को बुलाकर गैर जरूरी के गलत मैसेज देते हैं। हम इनके ये मैडम के हमारा कोई ताल्लुक नहीं है, हम इस कंडेम को पूरी तरह से कंडेम करते हैं। ये स्टेटमेंट नहीं बल्कि गलत है स्टेटमेंट, इनको नहीं चाहिए था यहाँ पर आकर इस तरह की बात करना चाहिए था, ये ऑर्गेनाइजर्स को भी कंट्रोल करना चाहिए था। इस घटना के बाद देर रात अमूल्या के घर पर लोगों ने पथराव किया, अमूल्या के पिता को सफाई देनी पड़ी। मेरी बेटी ने जो भी कहा एक एक शब्द गलत है, उसने पाकिस्तान के समर्थन में बात की है, उसे मैं सहन नहीं कर सकता। मैंने कई बार समझाया लेकिन वो नहीं मानती, कुछ मुस्लिम लोगों के बहकावे में आकर वो ये सब कर रही है। संविधान बचाने की एक और सभा बेंगलुरु से तकरीबन 500 किलोमीटर दूर कलबुर्गी में चल रही थी। CAA के खिलाफ MIM की रैली थी। महाराष्ट्र के बाईकुला से MLA वारिस पठान खास मेहमान थे और जो मंच से खुलेआम ललकार भर रहे थे, जहर उगल रहे थे। ईंट का जवाब पत्थर से देना सीख लिया है हमने, मगर इकट्ठा होकर चलना पड़ेगा। आजादी लेनी पड़ेगी और जो चीज मांगने से नहीं मिलती उसको छीन के लेना पड़ेगा, ये भी याद रखना। अब वक्त आ गया है, हमको बोला मां बहनों को आगे भेज दिया, कुछ ब्लैंकेट पर भेज गए। अरे भाई
अभी तो सिर्फ शेरनियां बाहर निकली है और तुम्हारे पसीने छूट गए, और समझ लो अगर हम लोग साथ में आ गए तो क्या होगा। 15 करोड़ है मगर 100 के ऊपर भारी है, याद रख लेना ये बात, ये याद रख लेना बात। लड़ाई है, लड़ना है, दूर तक लड़ना है, एक साथ होकर लड़ना है। इधर AIMIM नेताओं की हेट स्पीच पर बीजेपी ने हमला किया। बीजेपी प्रवक्ता संबित पात्रा ने ओवैसी से डायरेक्ट सवाल पूछे। पाकिस्तान के जिंदाबाद के जब नारे लगे तो ओवैसी जी ने तुरंत माइक छीन लिया। मेरा सवाल आज केवल ओवैसी जी से नहीं, मेरा सवाल ओवैसी जी के कई साथियों से है जो अपने आप को आजकल लिबरल्स भी कहते हैं। वहां तो माइक छीन लिया, मगर जब 15 मिनट तक वारिस पठाल अनर्गल जहर उगल रहे थे तो वहां माइक क्यों नहीं छीना? उस मंच पर ओवैसी जी भी मौजूद थे, वारिस पठान से एक क्षण के लिए भी माइक नहीं छीना। वारिस पठान क्या कह रहे थे? और याद रखिए, वारिस पठान कोई इंडिविजुअल नहीं है, वारिस पठान ओवैसी जी के पार्टी के सबसे कद्दावर नेताओं में से एक है, पूर्व विधायक है। ये सारे लोग, हाथ में संविधान, दिल में वारिस पठान, हाथ में संविधान, दिल में वारिस पठान, ये सब लोग जो CAA पे हमारे मुसलमान भाइयों को बरगला रहे हैं, ये सब लोग जो मुसलमानों से कह रहे हैं तुम्हें देश से निकाल दिया जाएगा, डिटेंशन कैंप में तुम्हें एक वक्त का खाना नहीं मिलेगा, कपड़ा नहीं मिलेगा, तुम्हें मार दिया जाएगा, ये सारे लोग जो अतथ्य फैला रहे हैं, मिथ्या फैला रहे हैं, संविधान के पीछे छुपने की कोशिश कर रहे हैं, तिरंगा फहरा रहे हैं, वास्तविक रूप में इनके हाथ में संविधान है, दिल में वारिस पठान है। आज ये स्पष्ट हो गया है, क्योंकि इनमें से एक भी व्यक्ति निकलकर कोई वारिस पठान पे क्लैरिफिकेशन नहीं मांग रहा है। मैं पूछना चाहता हूं, क्या फर्क है जिन्ना में और ओवैसी में? जिन्ना ने डायरेक्ट एक्शन कॉल दिया था और ओवैसी की पार्टी ने आज कहा है कि 15 करोड़ 100 करोड़ पर भारी पड़ेगी, यह भी डायरेक्ट एक्शन कॉल है। भारतीय जनता पार्टी आज बहुत संवेदना के साथ ये सवाल पूछती है, अगर भाजपा के किसी नेता ने इस प्रकार का कोई बयान दे दिया होता तो आज सारे लिबरल्स, तथाकथित लिबरल्स सड़क पे उतर जाते, ये सारे जो लुटियंस जोन के जो लिबरल्स हैं ये सारे सड़क पर उतरकर पूरे देश में कोहराम मचा देते। एक भी आज नहीं उतर रहा है, एक भी सवाल नहीं पूछ रहा है। कहां है, कहां है राहुल गांधी, कहां है प्रियंका जी? मंच से बड़े ओवैसी खूब जहरीला बोलते हैं, खुद इस मंच से ओवैसी नॉन स्टॉप बोले। जाहिर है उनकी भड़काऊ बोली से उन्हें सुनने वाले लोगों, खासकर मुसलमानों में उबाल तो आएगा ही। CAA प्रोटेस्ट के नाम पर असदुद्दीन ओवैसी ने ना जाने कितनी सभाओं में भड़काऊ बयान दिया है। उनके छोटे भाई अकबरुद्दीन ओवैसी ने कभी 15 मिनट के लिए देश से पुलिस हटाने का चैलेंज दिया था, और अब वारिस पठान चैलेंज दे रहे हैं। AIMIM नेता आखिर देश और